नमस्कार, राजस्थान में दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें से खेवसर सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक रहे हनुमान बेनीवाल के नागौर से सांसद बन जाने की वजह से खाली हो गई थी। हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि बीजेपी उनसे गठबंधन कर ये सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दे दे, मगर बीजेपी अभी तक फैसला नहीं ले पाई है और इसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के मुताबिक 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। देश भर की कुल 64 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। राजस्थान में मंडवा और खेवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। बहरहाल, बेनीवाल ने कहा कि अगर हमारा गठबंधन नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राज अभी भी चल रहा है। अगर गठबंधन हो जाता है तो इसका मतलब है कि बीजेपी में वसुंधरा की अब नहीं चलती है। पूर्व मुख्यमंत्री पर हमला जारी रखते हुए हनुमान बेनीवाल ने कहा कि अगर वसुंधरा राजे तेरे सिविल साइंस का बंगला राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी खाली नहीं करती हैं तो मैं सिविल लाइंस फाटक में धरने पर बैठूंगा। बेनीवाल ने कहा कि हमने केंद्र में नरेंद्र मोदी को देखकर गठबंधन किया है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी ये गठबंधन जारी रहे। अगर राजस्थान में कांग्रेस को हराना है तो बीजेपी को हमसे गठबंधन करना चाहिए। यह भी कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल खेवसर सीट से अपने छोटे भाई नारायण बेनीवाल को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बना सकते हैं। बेनीवाल ने कहा कि बड़ी पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, यह नहीं चाहती हैं कि राज्य में कोई तीसरा मोर्चा बने, लेकिन 2023 तक राजस्थान में तीसरा मोर्चा खड़ा कर देंगे। बेनीवाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि गहलोत पुत्र मोह में धर्राष्ट्र बन गए हैं। पहले जोधपुर के चक्कर में लोकसभा की सभी सीट गमा बैठे हैं और अब राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में बेटे को फिट करने के लिए राज्य में ध्यान नहीं दे रहे हैं। गौरतलब है कि 2018 विधानसभा चुनाव में खेवसर से हनुमान बेनीवाल और मंडावा से नरेंद्र खिचड़ विधायक बने थे। बाद में हनुमान बेनीवाल के नागौर से और नरेंद्र खिचड़ के झुंझुनू लोकसभा सीट से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों सीटें खाली हो गई थी। खेवसर सीट हनुमान बेनीवाल का गढ़ मानी जाती है। वह यहाँ से 3 बार विधायक भी रह चुके हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी पार्टी अपना परचम ले रहेगी।